सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। आज 14 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन बुरहानपुर के पुराना जिला कोर्ट भवन में स्थापित जिला बाल कल्याण समिति के परिसर में एक माँ अपने 2.5 साल की बच्ची को पाने के लिए करीब 20 दिन से डेरा डाली हुई है, जो कि दिल को मार्मिक करने वाला दृश्य है। जो भूखी प्यासी रहती है और उसे अपनी सुरक्षा तक की परवाह नहीं है। दरअसल नेपा नगर के ग्राम टाड़ा की आदिवासी महिला सुरेखा पवार की एक बेटी की डेथ हो जाने के बाद उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। इसके बाद इस महिला ने अपनी 2.5 साल की बेटी की देखरेख करने का तरीका बताया, लेकिन परिवार वालों ने इस तरीके को बच्ची के लिए असुरक्षित मानते हुए जिला बाल कल्याण समिति में निवेदन कर दिया था, जहां जिला बाल कल्याण समिति ने 20 दिन पहले उसकी 2.5 साल की बेटी को खंडवा स्थित शिशु गृह भेज दिया था। तब से यह महिला दीवानों की तरह अपनी 2.5 साल की बेटी को पाने के लिए संघर्ष कर रही है। दिन रात वह यही रहती है, मानवता के नाते लोग इसे खाना पानी दे रहे हैं। हालांकि यह मामला मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। अब प्रशासन बच्ची का बेहतर इलाज कराने के बाद और उसके स्वस्थ होने के बाद महिला को उसकी बेटी सौंपने की बात कर रहा है। बुलडाना तरफ का है, मेरे खड़किया से लाया गया चोरी से जूता बोलबाल के, मेरी माँ को मेरे को फंसाया गया, हमारा कोई नहीं है, बाप मर गया, भैया बहुत खराब है, भैया दो बच्चे है, एक मेरी सास ने मार डाला, एक लड़की, तो वो मेरे पर इंजाम लगा रही, मेरे को दूसरे के घर में डालने का विचार है उनका, पूरा गांव वाला उनके तरफ से बोलता, मेरे कोई साथ नहीं देता, सरपंच के पास जाती कोई भी नहीं दे रहा, उनका जिद है कि दूसरे के घर में तू शादी कर ले, इनको छोड़ दे। बच्ची कहाँ है? दूसरी बच्ची कहाँ है? दूसरी बच्ची मर गई, पहली बच्ची है ये 2 साल की है, उसको भेजा गया खंडवे में पालगिरा के अंदर, मेरे को बच्ची के लिए 15 महीने हो गए, मैं पागल जैसी हो रही। आप यहाँ कब से रह रही है? 1 महीने हो गए इधर उधर घूम रही है, भूख मांग के खाना पड़ रहा है, ये लोग मजा ले रहे, मेरा बच्ची नहीं दे रहे, मेरे घर वाले का शादी कर दिए क्या, मेरा घर वाला भग रहा मेरे को छोड़ छोड़ के, मैं रहना चाहती हूँ, मेरे को भगाना नहीं चाहते, पागल। माता पिता भाई कोई नहीं आपका? भाई है, भाई उसका देख रहा, भाई नहीं रखना चाहता, ये लोगों ने सब जिंदगी बर्बाद कर दिए, वो कहता कि इसको छोड़े मत, भैया कहता तेरी जिंदगी खराब कर डाले तो उनको छोड़े मत, ऐसा बोलता। अब आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले का मेरा घर बसा दो, मेरे घर वाले का मेरे मामा ससुर से मेरे सासुओं से पीछा छड़ा दो, वो बहुत गंदी लाइन पे लगा रहे। बच्ची चाहती है? हाँ, बच्ची भी सब खुशी खुशी से रहना चाहती हूँ, आदमी को छोड़ दिया तो यहाँ 1 महीने से यहाँ क्यों बैठी है? ऐसे ही बैठी है, बच्ची के कारण मेरे को भगा रहे घर से बाहर, रखना नहीं चाहते, मैं रहना चाहती हूँ, घर में कुछ लाते नहीं खाने को, उसके गांव में भीख मांगती हूँ कोई देते नहीं आसरा, फिर मैं काम पे जाती हूँ तो मेरे साथ सूर्य का तो लगाने नहीं देते, बड़ी टांडा। ये महिला कम से कम 1 महीने से यही है क्या, और इसकी बच्ची ये बोली कि मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये लोग कोई सुन रहे नहीं है, और ये यहाँ वहाँ बेचारी पड़े रहती है भूखी प्यासी, क्या कभी हम चाय नाश्ता करा देते, कभी कोई जो खाना वाना ला के दे देता है, बहुत परेशानी बन गई महिला। क्या लगता है जिस तरीके से मतलब 24 घंटे यही रहती है? 24 घंटे यही रहती है, रात में बेचारी ये यहाँ पे सोती है रोड पे, तो असुरक्षित है? नहीं, ये असुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? इसकी जो मांगे पूरी हो जाए, क्या होता नहीं होगी, क्या वो होती है? क्या नाम आप? मैं सुनील है। तो इसको खाना वाना किस तरीके लोग मदद करें ये भी बताइए। कोई भी रहता बिचारी को, कभी मन कभी खाना ले आता है, तो कभी वो गोपाल है नाश्ता वाला वो खाना ले आता है, तो कभी ये 50-100 रुपये की मदद कर देते हैं। किस तरीके से मदद? इस तरीके से बिचारी का पालन पोषण हो रहा है। इस महिला का ऐसा था कि अपने बच्चे को प्रताड़ित करती थी, मारती थी, पीटती थी। लालबाग थाने से चाइल्ड लाइन को फोन आया, चाइल्ड लाइन ने उनको यहाँ पे लेकर आए महिला को, और फिर उसके बाद में हमने महिला को बहुत समझाई दी, और उसको काम के लिए वो रात भर भटकती रहती थी, बच्चे को मारती भी थी,
तो हमने वृद्धाश्रम लालबाग के अंदर उसको रखवाया और वहां पे भी अच्छे से नहीं रही। फिर उसके पति को बुलाया, पति उसका नेपाल नगर बड़ा तांडा में रहता है, वो आए उसके पति की और उसकी सहमति से बच्ची को शिशु गृह में रखा गया है। और पति का ये आवेदन है हमारे पास में कि महिला थोड़ी विक्षिप्त है तो इसकी बच्ची को नहीं दिया जाए। कभी परिवार माता और पिता दोनों चाहते हैं कि बच्ची वापस मिल जाए, वो आके दोनों हमको आवेदन देते तो हम बच्ची को उनको वापस दे देंगे। ऐसा पता चला कि 15 दिन महीना भर से ये महिला यही पर बच्ची के लिए रह रही है। तो आपके संज्ञान में आया, आपने क्या मतलब हमने इसकी जानकारी सिटी कोतवाली को मेल द्वारा भेजी है, एसपी साहब को भी पूरी डिटेल भेज दी है कि भाई ये महिला को कहीं इसका यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसका इलाज कराया जाए या उसको नारी निकेतन में रखा जाए। वो पति के साथ भी नहीं रहना चाहती, कोई काम धंधा नहीं करती, इधर उधर भटकती है, यहाँ के लोग जो है कभी कोई उसको खाना खिला देता है, कभी कोई उसको खाना खिला देता है। अब बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए हमने बच्चे को रखा है, लगेगा कि माता और पिता दोनों में समझौता हो गया है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनको वापस मिल जाए तो हम उनको बच्चा उनका वापस दे देंगे। हम कुछ चिंतित हैं कि ये महिला जो है कई काम धंधे से लग जाए, कुछ काम करे। हमारे एक महिला ने सदस्य ने बोला है कि तुम हमारी गौशाला में आके काम करो, तो वो वहां भी जाने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। तो हमारी चिंता बच्ची को लेकर है, अब बच्ची के साथ में उसकी माँ को लेकर भी है कि वो कहीं अच्छे से सेटल हो जाए, नहीं तो उसको नारी निकेतन में या जहाँ पर भी जो है स्थित है। क्योंकि हमारे पास में जो केस आते हैं, हम 0 से 18 साल के बच्चों को ही देखते, फिर भी हमने इसकी सूचना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सर आपका नाम? राजेंद्र कुमार तलुजा, अध्यक्ष पालिका समिति बनारस। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।